दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार फ्री प्रिपेयर स्कूल से। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी गोदाम के, बिना किसी दुकान के, बिना किसी शोरूम के, बिना किसी फैक्ट्री के आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको वो हर एक टिप्स दूंगा, एक आइडिया बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना पैसों का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत है तो आपको करने की। दोस्तों ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिनको बिजनेस करना है, करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे के अभाव में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे बिना पैसों का बिज़नेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे बिज़नेस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों बिना पैसों का बिज़नेस करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल है। आप अपने एरिया में कर सकते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ का जो भी चीज़ फेमस हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती हो, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपके एरिया में हो, उस चीज़ का बिज़नेस आपको करना है। जैसे कोई आगरा में रह रहा है, तो आगरा में दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, वहाँ के शूज़ बड़े अच्छे होते हैं, दूसरा आगरा का पेठा। इस तरह से अगर आप असम से हैं, असम मिट्टी है, अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में ताले का है, कानपुर में है तो लेदर प्रोडक्ट है, बनारस में है तो बनारसी साड़ी है, सूरत में है तो हर तरह की साड़ियां हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली का ऑटो पार्ट हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आपका जो है ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक का हो गया, तो ढेर सारे दिल्ली में आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी तरह से मुंबई में है तो गारमेंट्स का बहुत अच्छा है वहाँ पे, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। अगर आप बेंगलोर से हैं तो नारियल का कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो सेब और केसर का कर सकते हैं, केरला से हैं तो मसालों का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस एरिया में हैं उसी चीज़ का आपको बिज़नेस करना है, ठीक है, उसी एरिया में करना है। या फिर आपके एरिया में कोई ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कर पाएँ, तो आप इन सब एरिया में कीजिए, या फिर आप मुझे अपना एरिया कमेंट कीजिए कि मैं इस एरिया से हूँ, तो मैं आपको उस एरिया के बारे में बताऊंगा कि आप इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस सिटी से ये बिज़नेस कीजिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इसको एक्सक्यूट कैसे करना है, इस बिज़नेस को करना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कि किस प्रोडक्ट पे करना है, एक प्रोडक्ट हमें चूज़ करना है। दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि कोई बंदा दिल्ली में है, ठीक है, और दिल्ली में उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है बिज़नेस करने के, तो वो एक प्रोडक्ट आइटम चूज़ कर ले। मैं चूज़ करता हूँ ऑटो इंडस्ट्री का, ऑटो पार्ट के। ऑटो पार्ट में एक पार्ट होता है दोस्तों ब्रेक शू, ब्रेक शू। ब्रेक शू क्या होता है, ये हर बाइक के ब्रेक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो धीरे धीरे बाइक चलते चलते ब्रेक लगाते लगाते उसका ब्रेक शू घिस जाता है, तो उसको हमें चेंज कराना होता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं कि ब्रेक शू का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी चीज़ के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों करना कैसे है। आपके पास मोबाइल है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट भी है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेक शू इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेक शू इन दिल्ली। तो दोस्तों कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, इन सब पे आप जाइए और हर एक साइट से कम 10 से 15 डिटेल आप निकाल लीजिए, कंपनी का नाम जिससे आपको बात करनी है, उनका फ़ोन नंबर और वो किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं ब्रेक शू का एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप अपने एरिया में अपने हिसाब से एग्जांपल ये आप जिस पे करना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस नंबर पर आप बात कीजिए, उनको बताइए कि सर मैं आपके साथ जो है
बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे बल्क क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट चाहिए। तो कोई भी दुकानदार हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वो चाहेगा ठीक है मेरा किसी भी तरह से प्रोडक्ट सेल हो। तो आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे टाइम ले लीजिए, उनके फैक्ट्री में जाइए, उनके सारे प्रोडक्ट को देखिए, उनकी स्पेसिफिकेशन को समझिए, उनकी क्वालिटी को समझिए, उनके रेट को समझिए। इस तरह से आप हर एक प्रोडक्ट का डिटेल ले लीजिए, उनकी फ़ोटोज़ ले लीजिए, कुछ सैंपल ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप 4 से 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइए और सबके प्रोडक्ट को, सबके क्वालिटी को, सबके प्राइस को कंपेयर कीजिए। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप उनके साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अब आपने ये प्रोडक्ट तो उनसे बातचीत कर लिया कि हमें कैसे मिलेगा, अब एक चीज़ आती है कि इसको सेल कैसे करेंगे। जी दोस्तों, अब दूसरा स्टेप मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इस आइटम को सेल कैसे करना है। ठीक, अब फिर से दोस्तों आप अपने गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए ऑटो पार्ट ट्रेडर इन मुंबई। जब आप ऑटो पार्ट ट्रेडर्स सर्च करेंगे इन मुंबई, तो मुंबई के ढेर सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे, उनका नाम और नंबर इस तरह से निकाल लीजिए आप, कम से कम 10-15-20 लोगों का एक उनका नंबर नाम का एक लिस्ट बना के एक पेज पर रख लीजिए। इसी तरह से ट्रेडर ऑफ ऑटो पार्ट इन वाराणसी, इन लखनऊ, इन पुणे, इन गुजरात, इन पटना, हर सिटी में आप सर्च कर लीजिए और सबका नाम नंबर निकाल के रख लीजिए। अब एक एक स्टेट, एक एक सिटी में आपको कॉल करना है, जो नंबर आपने निकाल रखा है 25-30 लोगों का, उन पे आप कॉल कीजिए कि सर मेरी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं ब्रेक शू बनाता हूँ, ये क्वालिटी है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्राइस लिस्ट है। तो आप 20-25 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 4-6-10 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ठीक है आप मुझे अपनी डिटेल भेजिए। आप उनको अपने फ़ोटोज़ भेज दीजिए, जिस तरह जिस जो आइटम है आपके, उनका स्पेसिफिकेशन, उनका प्राइस लिस्ट। उन 10 में से कम 3-4 लोग बोलेंगे कि ठीक है आप मुझे सैंपल भेजिए। तो उनसे बात कीजिए कि सर मैं दिन भर में 40-50-100 सैंपल भेजता रहता हूँ, तो ठीक है सर सैंपल आपको कितना चाहिए, 4-6-10 चाहिए, उसका सर आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आप अपना डिटेल या गूगल पे या जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो उसको आप पेटीएम वगैरह दे दीजिए, वो आपको पेमेंट कर देंगे। आप उनका एड्रेस लेके जहाँ से आपने बात किया था प्रेक्षक, वो उनसे बोल के वहाँ से आप उनको पार्सल करवा दीजिए। जो आपने 10 में से 3 या 4 लोगों को सैंपल भेजा है, डिस्पैच किया है, उनमें से कम 2 लोग, ये मेरी गारंटी है, मेरा ये दावा है, कम से कम 2 से 3 लोग एक सिटी से आपको ऑर्डर करेंगे, अगर आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस और उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा होगा तो ज़रूर आपको ऑर्डर करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप जो है ऑर्डर कर दिए, अब वो नेक्स्ट आपको ऑर्डर देगा बड़ा, बड़ा ऑर्डर देगा, बड़ा ऑर्डर देगा। तो आप क्या काम कीजिए कि बड़ा ऑर्डर के लिए आप कंपनी वाले से, जिससे आपने बातचीत कर रखा, उनको बताइए कि मुझे ये इतनी क्वांटिटी में इस एड्रेस पे भेजना है, जिसका पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में जाएगा, आपको इस रेट से पैसा लेना है, बाकी का पैसा आप मुझे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप उनको ऑर्डर लगा दीजिए, उनके पास पैसा आ जाएगा, वो आपको पैसा, आपका मार्जिन जो भी होगा 5%, 10% आप रख के ही क्लाइंट को बताइएगा, जिससे कि उसमें आपको कम से कम 5 से 10% का प्रॉफिट हो। और स्टार्टिंग में दोस्तों ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5% पे आप काम कीजिएगा, जब धीरे धीरे आपके क्लाइंट बेस बढ़ जाएंगे तो फिर आगे आप काम करते हुए परसेंटेज को बढ़ा लीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्लाइंट पकड़ने हैं,
क्लाइंट लिस्ट आपको बढ़ानी है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको उनको रियायत देनी पड़ेगी, कम रेट पे देना पड़ेगा, तो आप स्टार्टिंग में कीजिए। इसी तरह से दोस्तों ये आपको रिपीट करते रहना है। आपने मुंबई के लिए किया, वाराणसी के लिए कीजिए, लखनऊ के लिए कीजिए, पटना के लिए कीजिए, कानपुर के लिए कीजिए, पुणे के लिए कीजिए, जितने भी सिटी हैं सबको गूगल पे सर्च कीजिए, सबका नंबर निकालिए, सबसे बात कीजिए और उनके यहाँ सामान भिजवाते रहिए। दोस्तों ये इतना सिंपल है, बस ये है आपको थोड़ी सी लगन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आप घर बैठे कहीं से भी काम कर सकते हैं। बस आपको क्लाइंट से बात करते रहना है, उनका ऑर्डर लेते रहना है, कंपनी वाले जो मैन्युफैक्चरर है उनको लिस्ट भेजते रहना है कि इतना प्रोडक्ट इस एड्रेस पे भेजना है, इस रेट के हिसाब से उनके पास पैसा जाएगा, आप उनका पैसा ले लीजिए, आपका जो भी कमीशन है। फिर बाद में आगे चल के एक आप GST बनवा लीजिए और एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। फिर आप पेमेंट को अपने अकाउंट में मंगाइए, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के जो भी मैन्युफैक्चरर का पैसा हो रहा है आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों कुछ टाइम में 6 महीने साल भर में आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ साथ होलसेलर भी बन जाएंगे और आपका नाम रहेगा मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि आप सीधा जो आइटम है, जो सामान है वो डिस्पैच करवा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। तो दोस्तों आप बिना पैसे के, बिना किसी दुकान के, बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी शोरूम के एक बड़े होलसेलर बन सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को, उन सभी रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको बिज़नेस करना है, करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।